4NC2N2NCN यही है ना और प्रूव करना है 1 3 5 ...4N-1 ये है ना यही है ना वो नीचे क्या है बोलो ठीक है। देखिए जब इस तरह के क्वेश्चन होंगे फर्स्ट साइड में हमें करना क्या है, हम सीधा क्या करेंगे फार्मूला लगाएंगे, जो भी काट छांट है वो बाद की चीजें है। टेकिंग लेफ्ट साइड, समझ लो उसको, पहले ही यूपी बोर्ड में क्वेश्चन बहुत आता था 96, 97, 98 में ये क्वेश्चन बहुत पूछते थे। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, जब इसमें फार्मूला लगाएंगे क्या बनेगा, 4 factorial 4n upon factorial 2n और factorial 2n ये बनेगा नहीं बनेगा अपॉन फैक्टोरियल 2n फैक्टोरियल n और फैक्टोरियल n, ठीक है। ये नीचे जाएंगे और ये ऊपर जाएंगे, ऊपर हुआ ये फैक्टोरियल 4n और फैक्टोरियल n का स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2n और फैक्टोरियल 2n का ठीक है। इतना समझ में आ गया, अब इसमें कुछ जुगाड़बाजी ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है, एक तो ये और एक ये, इनको ही आगे ओपन करेंगे, इसको और इसको हम नहीं छेड़ते। कहने का मतलब इसको आप ऐसे समझ लीजिए, ये वो हिस्सा है जिसको हमें टच नहीं करना, ठीक है। क्यों करना है वो भी देखिए, यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर वाली टर्म लेनी पड़ी, यहाँ 2n है तो 2n लेना पड़ा, यहाँ 4n है तो इसलिए 4n वाली हमें लेनी पड़ी, ठीक है। अब हम अगर 4n को ओपन करें क्या लिखेंगे, 4n-1 4n-2 4n-3 ...3 2 1 यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं है, अपॉन 2n 2n-1 2n-2 ...3 2 1 इसका स्क्वायर इनटू ठीक है। यहां क्या करते हैं, ये वाले यानी कि जो इवन नंबर है 4n 4n-2 4n-3 इनको लिख लेते हैं, या पहले ओड वाले को लिख लेते हैं 4n-1 4n-3 ...... कहां तक चलेंगे 5 3 1
ठीक, इसमें से इवन अलग ले लें, 4n माइनस 2 डैश 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 4 और 2, यही होंगे ना। इसको अगर दो टू पार्ट्स में डिवाइड करें भाई, 1 3 तो यहाँ चले गए, 2 4 इसमें रहे, अपॉन 1 और 10 के साथ में फैक्टोरियल n का स्क्वायर, ऐसे ही इसमें कर लें, इवन अलग ले लें और अलग ले लें, एक तो हो जाएगा 2n माइनस 2 डॉट डॉट 4 2, ठीक है। दूसरा हो जाएगा 2n माइनस 1 2n माइनस 3 डॉट 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 3 1, इसका भी स्क्वायर होगा, इसका भी स्क्वायर होंगे, नहीं दोनों अलग अलग हो जाएंगे, नहीं साफ कर दूं नीचे का। बुक्स में इसका सॉल्यूशन 1 2 2 लाइनों में दे रखा, बंदा लगाओ कितना शॉर्टकट मार रखा है, ठीक है। ये तो झुका तो रहेगा, क्यों रहेगा, जो हमें चाहिए था शायद ये वही है ना, या कुछ और है, आई भी बता दो 3 1 लिख देंगे। चलिए अब यहाँ इस टर्म में से इसमें से ऐसे ही करके क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से 4 आ जाएगा, यहाँ एन है, इस ब्रैकेट में से क्या बाहर निकल सके, यहाँ से भी 2 आ जाएगा, यहाँ से भी 2 आ जाएगा, यहाँ भी 2 आ जाएगा, ठीक है। तो कितने 2 कॉमन आएंगे बताइए, ये यहाँ से 2n हो गया, यहाँ 2n माइनस 1 2n माइनस 2 डैश 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 2 1, और साथ में फैक्टोरियल n का स्क्वायर हो गया। हाँ अब ये बताइए ना, 2 की पावर कितनी लिखूँ, हाँ भाई सहमत हो, इवन ऑड की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं तो पूछ रहा क्या एन लिखे जाएगा या कुछ और लिखे जाएगा, बताइए। चलिए जो पहली टर्म थी 4nc क्या था, 2n, तो इसको क्या लिखा था हमने, 4n फैक्टोरियल अपॉन 2n फैक्टोरियल इनटू, फिर 2n फैक्टोरियल आ गया था, 4n फैक्टोरियल में कितनी टर्म है, कितनी है, n है, 2n है, 3n है या 4n है, समझ गए, 4n से फैक्टोरियल का मतलब क्या है, यही है ना, एक एक कम करते जाएंगे ना,
ऐसे ही कम करते करते एक बार 4n में से n भी कम हो जाएगा, आगे फिर चले माइनस वन, एक लेवल वहाँ आएगा कि 4n में से माइनस टू एन भी कम होगा, एक बार 4n में से 3n भी कम होगा, और जब 4n में से माइनस होगा 4n माइनस वन, तब जाके तो लास्ट टर्म क्या आएगी, वन। तो कितने टर्म तक जाना पड़ेगा हमें, कितने टर्म हुई टोटल है 4n फैक्टोरियल में, समझ में आई बात या आई नहीं अभी तक भी? बताओ अगर नहीं आई तो मैं समझाऊं दोबारा। ये खेल एक बहुत खतरनाक है, समझ। ऐसे लिखा हुआ है ना, ये अगर मैं कंपेयर कर लूँ, 4 तो 4 इक्वल हो गया, n की जगह 3 ले लो, आपके हिसाब से तो लॉजिकली है कि n टर्म होनी चाहिए इसमें, यही समझ में आ रहा ना तो नहीं? तो हम देखते हैं क्या इसमें 3 टर्म्स हैं, अगर इसमें 3 टर्म्स आएंगी ठीक, तो इसका मतलब इसमें फिर n टर्म होंगे। कितना आएगा 24 ठीक। एक्चुअल में 24 हमें कितनी बार माइनस करना पड़ेगा वन वन करके, वन तक पहुंचने के लिए 24 क्या ही है, टर्म्स तो आई, कैसे आई, मान लिया अगर पहली टर्म 20 है फिर 23 एक करके तो कम करते हैं ना, 21.21 तक तभी तो पहुंच रहे, यानी कि अगर यहाँ 4 है तो इसका से जो मल्टीप्लाई होगा उतनी टर्म होती है। ये तो आपको ऐसा एग्जांपल से समझा, अब डायरेक्ट वहीं आ जाओ 4n पे कि फैक्टोरियल 4n में कितनी टर्म है ठीक। सबसे पहले आप n फैक्टोरियल में समझ लीजिए, n इंटू एन माइनस वन, एन माइनस टू, डैश 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 करते हुए n माइनस आर पर भी आते हैं, n माइनस आर माइनस वन पर भी आएंगे, कहीं भी आ जाएंगे, लास्ट में हमें जाना कहाँ 3, 2, 1। तो इसमें यहाँ से यहाँ तक कितनी टर्म हुई n। अब अगर 4n फैक्टोरियल ले लो, उसको कैसे लिखेंगे, 4n इंटू 4n में से कितना कम किया, एक ठीक, फिर कितना कम करेंगे, दो, तीन, वन तक जाने के लिए इसमें से क्या कम करना पड़ेगा हमें लास्ट तक, 4n माइनस वन, यानी कि टोटल कितने स्टेप चलना पड़ेगा हमें, 4n चलना पड़ रहा ना भाई, एक स्टेप ऐसा आएगा जहाँ माइनस n होगा, फिर 2n होगा, फिर 3n होगा, जब 4n है, क्योंकि 4n कहाँ बनेगा माइनस, यहाँ के जीरो आ जाएगा, जो कि जीरो में लेना नहीं, सिर्फ वन तक ही रहना। तो इसमें जो नंबर ऑफ टर्न है कितनी है, 4n। अब बताइए 2 की पावर क्या आएगा, क्या आएगा 2 की पावर, यहाँ कितना आएगा, 2। समझ में आ गया अब तो, क्योंकि 2n टर्म तो ये होगी, जो 4n टर्म थी उनमें से 2n टर्म ये हुई और 2n टर्म ये हुई। इसी तरह से इसमें कितनी टर्म है, चलो पहले तो बताओ इसमें से जो 2 की पावर कितनी कॉमन आएगी, n आएगी, क्योंकि ये टर्म और ये टर्म मिला के 2n टर्म थी भाई, 2n से लेस हो रहा ना, और फिर हमने इनको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो n ही टर्म रहेगी ना, तो यहाँ से कॉमन क्या आएगा, 2 की पावर n, ये बनेगा n इंटू एन माइनस वन, एन माइनस टू, डॉट डॉट डॉट, 3, 2, 1। ये बचा आपका
2n-1, 2n-3 डॉट डॉट 3, 1 इसका भी स्क्वायर है और इसका भी स्क्वायर है। कहाँ तक का? यहाँ तक का स्क्वायर, समझ रहे? अब ये कहाँ से ले गया हमने कौन हाँ मगर श्रीमा दर्द कर इतनी मुश्किल से तो उसको हटाया हम कहीं फिर आ गया था कहीं से। ठीक है भाई अब आइए आप एन माइनस फोर एन माइनस अगर इसका स्क्वायर हम हटा दें, देखिए हटाना ही पड़ेगा, ये तो 2 की पावर क्या हो जाएगा, 2 की पावर n का स्क्वायर करेंगे 2 की पावर 2n, और एक इस सारे का स्क्वायर हो गया। ये क्या है? फैक्टोरियल n का, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये 2 की पावर 2n इससे कैंसिल हो जाएगा, ये भी खत्म हो गया ना। और नीचे हमारे पास बचा हुआ था एक, वो हमने छोड़ दिया है ना, फैक्टोरियल 2n। और ये क्या है? फैक्टोरियल 2n है ना, ये भी इससे ये कैंसिल हो जाएगा, हमारा वही बचा जो हमें चाहिए था। मैं कसम है घर जाके क्वेश्चन जरूर करना, एक बार भी ना देखिए, समझ रहे हैं? चक्कर क्या है, ये चीजें ऑनलाइन है, तुम इसमें देख लेते, देख लोगे दोबारा कि सर ने कैसे समझा था वीडियो, से बोर्ड से साफ करा के फिर आपको होमवर्क में देता हूँ, मतलब घर से करके लाना। लिखना चाहो लिख लो, क्योंकि क्या कर लोगे, कहाँ से करोगे? पहले खुद से पहले क्वेश्चन लिख लिया, ये क्वेश्चन लिखिए, इफ टेन सी आर इक्वल टू टेन सी आर प्लस 4, टेन सी आर इक्वल टू टेन सी आर प्लस 4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ आर।
इसी सर्किल पर ये 10 पॉइंट्स हैं, कितने पॉइंट्स हैं, 10। इन पॉइंट को मिला करके कितने हेक्सागन बनाए जा सकते हैं। एक सर्किल पर 10 पॉइंट हैं, 10 बिंदु हैं, इन 10 बिंदुओं में को आपस में मिला करके जितने आपको ज़रूरत है उतने मिला सकते हैं कि नहीं, किसी को भी किसी से मिला सकते हैं। आप ये बताना है कितने हेक्सागन बनेंगे, यानी कि हेक्सागन को हिंदी में क्या बोलते हैं, सम सट भुज। हाँ भैया चल समझ में, भी सम सट भुज बताइए कितने हेक्सागन बन सकते हैं। लगाओ दिमाग, घर थोड़ी रखा है आज, समझ में आ रहा भाई कुछ, मैं झूठ पे कह रहा हूँ, नहीं भी आ रहा होगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा ही होता है स्टार्टिंग में। देखिए अब यहाँ सबसे पहली बात है कि क्रमचय लगेगा संचय लगेगा, क्या क्रमचय लग सकता है यहाँ, परमुटेशन लग सकता है यहाँ, क्योंकि ऑर्डर की कोई बात ही नहीं तो परमुटेशन की तो कोई जरूरत नहीं है। 10 बिंदु हैं आपके, इनमें से कितने लेने हैं आपको, 6 का समूह तो बनाना भाई, कोई भी 6 लेंगे, मान लिया मैं 1, 2, 3, 4, 5 सारे यहीं ले लेता हूँ, क्या समझो बन जाएगा, इससे इसे मिलाओ 1, 2, 3, 4, 5, 6 और इससे से मिला दो क्या होगा, 7 हो गया, तो यहाँ तो बना नहीं, तो 5 ले लेंगे, 1 ले लेंगे, तो 6 हो जाएंगे। ये सम षटभुज ना हो गए, सिर्फ षटभुज कहा था, सम होने पर तो कंडीशन अलग हो जाएगी, इसकी सारी जो हैं साइड्स होती हैं इक्वल, सिर्फ षटभुज है, तो किन्हीं भी 10 पॉइंट्स में से कितने लेंगे, क्या बन जाएगा, जो भी आएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि उन्होंने बताया 210 है। अगर वो कहे कि इनको लेकर के कितने पंचभुज बनेंगे तो कितने बन जाएंगे, 10 से 5। अगर कहे वो क्या है स्क्वायर, या क्या बोलते हैं उसको, क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज कितने बनेंगे, 4 भुजाओं वाले, 10 से 4। भाई जब वो कह रहा कि 10 पॉइंट्स में से, ठीक है, कितने हेक्सागन बनेंगे, हेक्सागन के लिए कितने पॉइंट चाहिए हमें, कोई भी 6 ले लें, 10 में से 6 के कितने ग्रुप बनेंगे, क्या हुआ, कॉम्बिनेशन हुआ ना, परमुटेशन वाली कोई चीज़ अरेंजमेंट की लग रही है, तो नहीं कहा ना कि पहले P1 बिंदु पॉइंट लेना या P2 लेना, इसका कोई मतलब नहीं, कोई भी हो भाई 6 के ग्रुप बन जाए, बस सिलेक्शन हो गया। अगर क्वाड्रिलेटर की बात कर रहा तो क्या कितने बनेंगे, 10 से 4। अगर ट्रायंगल की बात करें
इसको क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? पेंटागन। ये हेक्सागन। इसके बाद क्या होता है? हेप्टागन। उसके बाद ऑक्टागन। उसके बाद नॉन डेका। फिर डेकागन। ठीक है, ट्रायंगल के लिए क्या होगा? ठीक, इसमें एक बात तो बनेगा, जितने हेक्सागन बनेंगे उतने क्वाड्रिलेटरल बनेंगे। क्या बनेंगे? क्वाड्रिलेटरल। हाँ तो बनेंगे, क्यों बनेंगे? टेन सी फोर इक्वल टू टेन सी, दोनों इक्वल है ना सर। अब इसको सॉल्यूशन करने का भी देख लो, आपने फार्मूला तो पढ़ ही लिया, क्या होता है? एन सी आर इक्वल टू फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर, फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर। अगर आपको 20 सी मान के चलो 10-11 दिया हुआ, अगर इसके आधे से ज़्यादा दिया हुआ हो, 20 का हाफ 10 से ज़्यादा दिया हुआ है, तो क्या करेंगे? इसे माइनस करके आप ऐसे लिख सकते हैं 20 सी माइनस, कौन सा रूल लगाया? क्या नाम था इस रूल का? कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, अब यहाँ आप क्या करोगे? फार्मूला लगाया जी 20 फैक्टोरियल 9 और 20 माइनस 9 फैक्टोरियल, दैट इज 20 फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल 9 और फैक्टोरियल 10। या तो आंसर इस तरह है तो तब तो ये करोगे। अगर कोई संख्या नंबर्स में दी हुई है फिर कैसे करना है? 9 आ गया, 20 के 9 स्टेप तक मल्टीप्लाई करो, 20 को 9 स्टेप तक। हो गया 9 स्टेप, और नीचे 1 से 9 तक की मल्टीप्लाई करो। इसका सोल्यूशन हो जाएगा, तो बहुत बड़ा नंबर है इसलिए मैंने दिख रहा आपको, लेकिन अगर छोटा नंबर जैसे कि 10c4 है क्या करेंगे इसके लिए? 10 आधे से छोटा है तो छोड़ दो, ही कोई जरूरत नहीं है। कितने स्टेप तक मल्टीप्लाई करेंगे? 10 × 9 × 8 × 7, ठीक, अपॉन में 4 है तो 1 × 2 × 3 × 4, 4 × 2 कैंसिल, 3 × 9 = 30, 30 × 7 = 210। ठीक है, इस फैक्टोरियल में फंसना ही नहीं, फिर उतनी मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि मान के चलिए कि नीचे जो है हम इसका फैक्टोरियल ले लेंगे। दोनों चीज़ समझो पहले, बड़ी वो अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। देखो पहला स्टेप तो ये है, मान लिया दिया हुआ 15c3, इसकी वैल्यू निकाल। अगर यहाँ होता बाय द वे 9 से हाफ का 8 बैठ रहा 8 होता 9 होता 10 होता, तो छोटा करते हम इसे, मान लिया चलो ये 12 दिया हुआ है, या तो इसे इस फार्मूले में रखे, नहीं रखना चाहते हम, छोटा करना चाह रहे हैं, तो उसको हम लिख सकते हैं 15c3। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री लगा के, क्योंकि एन सी आर इक्वल टू क्या होता है? एन सी एन माइनस आर होता है। ये कर लिया, अब आगे कैसे मल्टीप्लिकेशन करनी? यहाँ 3 है तो उसको 3 स्टेप तक मल्टीप्लाई करेंगे, कर दिया। अब नीचे 3 है, 3 को 3 फैक्टोरियल समझ लो, या 3 स्टेप तक इसकी मल्टीप्लाई 1, 2, 3, 1 से स्टार्ट करके 3 तक मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 5 जा 2 7 जा
1391 945 शायद यही आएगा ना। ठीक है, तो इस तरह कैलकुलेशन ये फास्ट हो जाए। लिखना था ना कुछ? क्वेश्चन है वेयर आर 10 पॉइंट्स इन ए प्लेन। ठीक है, एंड फ्रॉम देम फोर पॉइंट्स आर कोलीनियर। ठीक है, एंड अदर सिक्स आर नॉट लीनियर। Find out first how many straight line, how many straight line can be formed, कितनी बनाई जा सकती है। ठीक है, second how many triangles, करिए क्वेश्चन करिए। अभी जैसा करा था ना उसी तरह का है, कोई नई चीज़ नहीं इसमें। Thank you.
क्या आंसर आया बताओ? फर्स्ट कंडीशन का आया मेरा 210। अच्छा, और दूसरी कंडीशन का आया 120। पहली कंडीशन का 210, दूसरी कंडीशन का 120। दोनों ही गलत। एक ही लाइन में आंसर बताओ। कितना बड़ा आया? लाखों में तो नहीं आया? ऑप्शन पे मत जाओ, नेवर गो टू ऑप्शन। ऑप्शन तब देखो मैथमेटिक्स में जब आपने सॉल्यूशन कर लिया। ऐसे तो मैं इतने बुद्धिजीवी वर्ग होता है वो भी क्वेश्चन में जैसी गलती पता होना कि अगर ये गलती की तो ऑप्शन भी इस पे जाएगा, समझ रहे? ऑप्शन से क्वेश्चन नहीं हल होते हैं इस मैथमेटिक्स के। चलो भाई, दो सौ दस भी गलत। चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ। ठीक है, इस तरह के 10 पॉइंट्स दिए हुए हैं। ओनली 4 कोलिनियर हैं, बाकी और कोलिनियर नहीं है। देख लो कहीं और 4 तो नहीं है। पहली कंडीशन में कह रहा है फाइंड आउट हाउ मैनी स्ट्रेट लाइन कैन बी फॉर्म। स्ट्रेट लाइन कितनी बनाई जा सकती है? स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए कितने पॉइंट चाहिए हमें? दो चाहिए। ये दो भी ले सकते हैं, ये दो ले सकते हैं, ये दो ले सकते हैं, या ये दो ले लें। कितने कॉम्बिनेशन खुद हमें नहीं पता कितने बनेंगे। क्या आएगा इसमें? टेन सी। ठीक है, तो ये सारे जितने भी स्ट्रेट लाइन बनेगी सारों को मिलाने से दो दो को 10c2 में। लेकिन इसमें गड़बड़ है कि जो ये 4 पॉइंट दिए हुए हैं इन चारों से क्या ये वो इस रूल को फॉलो करेंगे जब एक स्ट्रेट लाइन में होगी करने की ना, तो इसलिए इसमें से -4c2 कम कर देंगे। समझ में आ रही? क्योंकि ये अलग अलग स्ट्रेट लाइन नहीं बनाएंगी, ये जो है ये सारी एक ही बना रही है। क्योंकि 4 बिंदु से कितने स्ट्रेट लाइन बननी चाहिए? 4c2। लेकिन यहाँ बननी कितनी? एक। तो इसलिए 4c2 कम कर दिया और एक जोड़ देंगे। समझ में आई या आई नहीं? अगर इन 4 पॉइंट्स को मैं अलग रख दूं, समझ रहे? कितनी स्ट्रेट लाइन बनेगी? 1, 2, 3, 4, 5, 6। कितनी बनती? लेकिन बनी कितनी? एक। ऐसे कर लो -6 + 1। 10c2 की वैल्यू क्या होगी? 10 × 9, 1 × 2, 2 × 5 = 10, 5 × 9 = 45, 45 में से 6 गए कितने? 39 और 1 = 40।
तो पहले का आंसर तो 40 आ गया। आगे क्या पूछा था फिर दूसरे में, हाउ मैनी ट्राइंगल, ट्राइंगल कितने से बनते हैं, ये जो चार स्ट्रेट लाइन में है क्या इनसे एक ट्राइंगल बन जाएगा, पॉसिबल है? एक बच जाएगा। अच्छा एक ट्राइंगल बना देगी, बना ट्राइंगल एक कैसे बनेगा बता, आगे बनाओ उसे, ये ऐसे तो बन सकता है ट्राइंगल मेरे हिसाब से, ऐसे करके कुछ और पाँच रुपये चलो मैं दो डॉट को ऐसे कर ट्रायंगल तो बनाना ना, घुमाओ कुछ गोल गोल करके ऐसे ऐसे बन गया, ऐसे बन गया बता। हाँ जो कोलिनियर नहीं टोटल ले लिए 10c3 लेस क्या करेंगे उसमें से, ये क्वेश्चन में दिया नहीं है आप लोगों को समझाने के लिए दे दिया था मैंने, मैं कभी हिसाब ना लगा पाए। तो 10c3 माइनस 4c3 ये आंसर शायद 116 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखिए, क्योंकि बस मुश्किल से एक डेढ़ कंसेप्ट और बच रहा है, अब तो क्वेश्चन ही क्वेश्चन होंगे ज़्यादातर, मैं वो कंसेप्ट आज नहीं बता रहा, मैं कभी ज़्यादा पजल से हो जाओ थक गए वैसे तो हैं। हाँ वो तो बात सही है, लेकिन दिमाग भी तो फट जाता है ना,
अब मैं एक आधा कंसेप्ट और बताऊंगा तो फिर ज्यादा थक जाओगे, तो मैं चलो क्वेश्चन में तो फिर भी आदमी था थकता नहीं चुका, मतलब इंटरेस्ट आता रहे, कंसेप्ट में थोड़ा बोरिंग महसूस करता है। हाउ मैनी डायगनल एंड ट्राइंगल कैन बी फॉर्मड बाय टेकिंग द वर्टिसेस ऑफ ए पॉलीगन ऑफ 16 साइड। 16 भुजाओं वाले बहुभुज के शीर्षों को मिलाने से कितने विकर्ण तथा कितने त्रिभुज बन सकते हैं, समझ गए? एक बहुभुज है जिसकी भुजाएं कितनी है, 16, ठीक है, तो उसके शीर्षों से मिलाने से कितने विकर्ण और कितने त्रिभुज बन सकते हैं? एक में 520 वाला भी चेक कर लो, गड़बड़ कर है, हाँ वो सही है, 560 सही है, है? और पहले वाला डायगोनल वाला वो गलत है, सही आ गया क्या? क्या देखा है 120 गलत है, तो पहले का 120 क्या गलती है? हाँ मिलेगा। अब चलिए डायगोनल की बात कर लेते हैं,
देखिए डायगोनल एक्चुअल में क्या होता है, अगर कोई भी सेफ है अपोजिट साइड्स को मिलाने से डायगोनल बन जाते हैं, अपोजिट वर्टिसेस को मिलाने से डायगोनल बन जाते हैं। ये तो बड़ी सेफ हो रही है, ये लो मान लिया, अगर यहाँ तो 16 दी हुई है, हम 6 को लेकर समझते हैं, इसमें डायगोनल कौन कौन से होंगे? देखिए और कोई भी है डायगोनल नहीं है, आई थिंक हो गया 6 है ना, 6 सी टू इतना आना चाहिए, 6 × 5 = 30 बटे 2 यानी कि 15 डायगोनल आने चाहिए, ये भी 15 − 6 समाएंगे 9 डायगोनल, काउंट कर लो 1 2 3, अब यहाँ से 4 5 और 6 आपका 7 और कौन से रह गए, सेवन 8 और एक 9 डायगोनल 9 आया, फार्मूला कह रहा 15 आने चाहिए, ऐसा क्यों हुआ, वाई व्हाट्स द रीजन, द रीजन इज दैट वी आर टेकिंग 2 एट ए टाइम, 2 क्या ले रहे हैं हम वर्टिसेस, और जब हम कोई 2 वर्टिसेस ले रहे हैं तो डायगोनल के साथ साथ साइड्स भी तो क्रिएशन हो रहा है, एक साइड ये भी बनी, एक साइड ये, एक साइड ये, तो कितनी साइड बन रही है, यानी कि हमने जो 6C2 लिया है इसमें डायगोनल के साथ साथ इसमें डायगोनल भी हैं जो बनेंगे आपकी और साइड, ठीक, जब उसने सिर्फ डायगोनल पूछा है तो हम साइड क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और साइड कितनी इसमें 6, तो आंसर क्या आ गया 9, वहाँ साइड कितनी है 16, आंसर कितना आया 120, 120 आया ना 16 से, क्या माइनस करेंगे 16, कितना आ जाएगा 100, ये डायग्राम किसी बुकबंदी भी होगी जो आपको एज ए प्रैक्टिकल भी मैंने दिखा दिया है, कहते हैं ना कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, मेरे तक पहुंच नहीं रही, इतनी जोर की बोल आपकी सासू सदा खुशी रहेंगी, तू जो भी कहेगी मन मन में कहेगी वहां तक आवाज पहुंचेगी नहीं, ना झगड़ा होगा जो पढ़ाना पड़ेगा फिर कैसे चलेगा काम, बच्चों के कानों में मशीन नहीं जल्दी लग जाएंगी, तो कहेंगे तो हमारे कान खराब हो गए, ये मैडम ही नहीं बोलती होगी, घर पे यहाँ क्यों डाउन हो जाते बस, घर तेज इसलिए बोलते हैं ना, वहाँ सब डरते हैं ना, कुछ बोलता नहीं होगा सामने, नहीं देखो ये तो आपकी जो है पर्सनालिटी के अगेंस्ट है ना, बाहर है तो आवाज कम से कम ऐसी तो होगी बिल्कुल एक दमदार लगे, ये चीज समझ में आई भाई, अच्छा यहीं पे अगर हमारे पास कोई भी पॉलीगन एन साइड वाला हो, कितनी साइड वाला हो, एन वाला हो,
तो उससे बनने वाले डायगोनल की संख्या कितनी होगी? ठीक है, तो ये एक तरह से जनरल फार्मूला भी होगा। अब एन सी टू माइनस एन को जरा वो करना, सॉल्यूशन करना उसको। एक क्वेश्चन है, एक ट्रायंगल है ए बी सी, रेज कर दो से, देयर इज एन ए बी सी और एंगल आपका ये है ए बी सी, इस पर तीन डॉट्स हैं, तीन बिंदु हैं, इस पर पांच हैं और इस पर छह, ठीक है। तो हमें ऐसे नंबर ऑफ ट्रायंगल ट्राइंगल फाइंड आउट करने हैं जिसमें ये जो हमारे पॉइंट्स हैं या डॉट्स हैं ये क्या हों, एज ए वर्टिसेस, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो आपका है जेई मेंस, जेई मेंस 2020 में आया हुआ, राइट। बताइए क्या होगा, दस
भाई कैसे निकल जाना है भाई? सर इसका क्या मिला? थ्री सी थ्री और इसका फाइव सी थ्री प्लस सिक्स सी थ्री को माइनस कर। इसमें से सारे माइनस माइनस आ गए, कितना आया? नाइन। देखिए सोल्यूशन देखिए इसका। अब तक हमने जो आपको ट्रायंगल या स्ट्रेट लाइन जो भी बनानी थी वो कहीं भी छिधर बिधर थे पॉइंट। टोटल पॉइंट कितने हैं इस पर? 3, 5, 8 और 6, 14। अगर हम कहते कहीं कि 14 पॉइंट कहीं भी पड़े हैं उनसे बनने वाले त्रिभुजों की संख्या, तो सिंपली हमारी 14C3 होगी, ठीक है। लेकिन कुछ यहाँ कंडीशन ऐसी है कि वो त्रिभुज नहीं बना, ना तो ये तीन इकट्ठे होकर त्रिभुज बना रहे, तो कितने माइनस कर दें? 3C3। ना ये फाई बना रहे, या बना रहे और ना ही ये 6C3 बना रहे। बाकी जो आएगा आंसर लिख लिया। चलिए एक क्वेश्चन और है। एक टीम बनी हुई है, एक टीम ए है और एक टीम बी है। टीम ए में 7 लड़के, यहाँ 7 तो बॉयज हैं और एन गर्ल्स हैं। तब बी में 4 लड़के और 6 लड़कियां,
फोर बॉयज एंड सिक्स गर्ल्स, ठीक है। यदि इन दो टीमों के बीच कुल 52 एकल मैच आयोजित किए जा सकते हैं, जब एक लड़का एक लड़के के विरुद्ध खेलता है तथा एक लड़की के विरुद्ध खेलती है, तो एन के मान बताइए। दो टीम हैं यहाँ, इनके समझ लो पहले, इन दोनों के बीच मैच होंगे, टोटल नंबर ऑफ जो मैच दिए इसने कितने दे दिए, 52 मैच हो रहे हैं। कंडीशन ये लगाई कि लड़के का लड़के से होगा और लड़की का लड़की से मैच, तो हमें फाइंड आउट क्या करना, ये आपका है जेई मेंस 2021 में आया हुआ, अब देखिए पेंसिल बिल्कुल रोक दो, अब समझ लो, अगर हम टीम ए और टीम बी में मैच कराएं, मान के चल रहे हम सबसे पहले बॉयज में मैच कराएं, ठीक है, मैच कहेगा यार ये बताने, चलो मैच है, ये नहीं बताना कहेगा मैच है, सिंगल सिंगल कहें में खेल सकते हैं, बैडमिंटन खेल लेंगे या फिर क्या और कौन से कुछ गेम होंगे, चलो ठीक। इनके लिए हमने ये कोर्ट तैयार कर दिया, यहाँ ही नेट बंद रहा है, ठीक, इसका इधर भी बॉयज होगा इधर भी बॉयज होगा, ये टीम बॉयज की बी से आएगा और ये ए से आएगा, ये ए से आएगा बी से आएगा, यहाँ से पकड़ के हमें एक को लाना, एक को तो मैच कराएंगे ना, अब जब यहाँ सात में से पकड़ा कितने को लाना, एक, तो सात में से यहाँ एक के लाने के कितने प्रकार हो गए, सात लड़के हैं, सात लड़कों में से एक लड़के के लाने के प्रकार कितने होंगे, सात होगे, या इसको हम लिख सकते हैं 7C1, छाटी तो रहे ना, ग्रुप ही तो बना रहे हैं, साथ में तो एक कक का ग्रुप बना रहे हैं हम, तो कितने हुए 7C1, उधर से चार लड़कों में से एक लाने का, ठीक है, तो यहां से जो टोटल नंबर ऑफ मैच बनेंगे या आपस में खेल लेंगे, बीच में और रहेगा या एंड, ये वाला आएगा या एंड आएगा, 7C1 और या 4C1 रहेगा, या मेरा कहने का मतलब है 7C1 और या एंड और C1 इनमें और रहेगा या एंड, एंड रहेगा ना, और तो नहीं आने का, क्योंकि अगर और आओगा तो फिर मैच हो जाएगा इनके बीच, वहीं खड़े रहेंगे हाथ हिलाओ जाएंगे टाटा बाय बाय, ठीक है, तो एंड आएगा, और जब एंड आएगा तो एंड के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं ना, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन पढ़ा था ना, दो घटनाएं अगर एक के बाद एक घटित हो रही है, साथ साथ घटित होंगी, तो दोनों के घटित होने की प्रक्रिया दोनों खेल लेंगे, जभी तो काम चलेगा, जभी तो मैच होगा, तो क्या आया मल्टीप्लिकेशन, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 28। ये लड़कों के मैच का सीन है, अब लड़कियों के मैच का देख लेते हैं, इसी तरह लड़की आएंगी, लड़की कितने प्रकार से NC1 एंड 6 C1, NC1 की वैल्यू, NC1 क्या लिख सकते हैं, N लिख सकते हैं सिर्फ
सिक्स को सिर्फ सिक्स सिक्स आना आएगा। लड़कियों के कितने मैच हुए? सिक्स एन। लड़कों के मैच कितने हुए? टोटल मैच कितने थे? सिक्स एन इक्वल टू 52 28 जाए, कितने बचेंगे बताओ? 24 बचेंगे ना। एन इक्वल टू कितना आ जाएगा? नहीं, 4। एंड और मिक्सचर है। छुट्टी होगी तो एक होमवर्क का क्वेश्चन लिखो। राइट वन मोर क्वेश्चन। एन पी आर इक्वल टू एन पी आर प्लस 1 एंड एन सी आर इक्वल टू एन सी आर माइनस 1 फाइंड द वैल्यू ऑफ आर फाइंड द वैल्यू ऑफ आर देन एन सी आर माइनस 1 एन पी आर अच्छा लगा जी क्वेश्चन जेई का करके जेई का आएगी और बस एक ही है एक ही है जेई कर ली।
ये बंद करके ले जाओ, बंद करो।